दरभंगा जिला के मनिगाछी प्रखंड क्षेत्र के रजवाड़ा गांव पहुंचे अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद एवं शांति समिति दरभंगा के पदाधिकारी और स्थिति का जायजा लिया। 15 दिनों पहले मनिगाछी नेरा थाना क्षेत्र के रजवाड़ा तरौनी गांव में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, जिससे प्रशासन और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई और एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद के अध्यक्ष विजय कुमार पासवान ने कहा कि जो घटना घटित हुई है उसकी निंदा करते हैं, लेकिन पुलिस जिस तरह से बदले की भावना से निर्दोष महिलाएं एवं बूढ़ों के ऊपर कहर ढा रही है वह गलत है। कितने दिनों का है ये बच्चा? 6 महीने का। फिर ये बिना माँ के कैसे रह रहा है? ऐसे डब्बे वाला दूध पिला के रखते है, दिन भर रात भर रोते है, बच्चा रहते नहीं है किसी का गोदी में, न मेरे गोदी में, नहीं किसी के गोदी में रहता है। इसके मम्मी घर में थे और पुलिस प्रशासन आया, इसको जबरदस्ती मारपीट करके उठा के लेके गए। इसका मम्मी को पुलिस थे या जेंट्स पुलिस? जेंट्स पुलिस थी। अच्छा, जेंट्स बच्चा को फेंक दिया और बच्चा को बोला भोसरी वाले लेकर क्या करेगा, वहाँ लेकर जाकर बच्चा के फेंकिए, यहाँ रखिए। फिर बच्चा के लेने दिया नहीं वो लोग, इसको मम्मी के उठा के ले गया। मेरे मम्मी भी गए, बुढ़ी है मम्मी, उसको भी उठा लिया। क्या नाम है इसके माँ पिताजी का? इसकी मम्मी के नाम है अंजुला देवी, इसकी नानी के है माला देवी, इसका पापा के नाम है गोरका पासवान। कौन सी जगह है ये? रजवाड़ा है ना? हाँ, रजवाड़ा। साध उत्थान परिषद का एक शिष्टमंडल रजवाड़ा गांव में इस घटना 29 तारीख को जो घटना घटी है उसकी जांच में आया है। जांच के क्रम में सभी लोगों से पूछताछ के दरमियान जो बातें साक्ष्य के रूप में आई है उसमें यह पता चला है कि ये सीओ जो है सो इसके दोषी है। अगर वो घटना और अतिक्रमण हटाने के पहले अगर लोगों को नोटिस देते कि यह अतिक्रमण हटाना है तो लोग अगर उस बात को स्वीकार करते और तब इस तरह की घटना नहीं होती। आज उसके कारण उनके अकर्मता के कारण ये घटना घटी है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। साथ साथ सीओ पर कार्रवाई की मांग हम लोग जिलाधिकारी महोदय से और जिला प्रशासन से मिल करके भी करेंगे। और जो हम लोग घटना में देख रहे हैं, जो हम लोग साक्ष्य पाए हैं कि निर्दोष लोगों को भी इसमें फंसाया गया और उस आक्रोश में महिलाओं के साथ जो पुलिस की बर्बरता हुई है, अत्याचार हुआ है, वो बहुत ही निंदनीय है। जितनी उस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उसके लिए भी हम अनुसूचित जाति आयोग को और महिला आयोग को भी हम लोग जो है इसी ओर ध्यान आकृष्ट कराएंगे और लोगों को शांति व्यवस्था कायम करने के लिए चाहेंगे कि लोग धीरे धीरे जो निर्दोष लोग हैं वो आवे और हम लोग प्रशासन से बात को रखेंगे जो उचित बात है किस कारण से घटना घटी और वो अफवाह के कारण घटना घटी जिसका इतना बड़ा रूप ले लिया गया, तो इसको हम लोग प्रशासन के सामने रखेंगे और जो उचित न्याय होगा वो चाहेंगे कि सब लोगों को जो पासवान लोग यहाँ भागे हुए हैं, भटके हुए हैं, वो लोग फिर विस्थापित हो और यहाँ शांति व्यवस्था कायम। प्रशासन से क्या अपील करेंगे, जो स्थिति है गांव के लोगों में किस तरह से डर निकलेगा? डर निकलेगा कि जो लोग FIR में नहीं आए, जो लोग निर्दोष लोगों को जो है सो परेशान पुलिस करे उसका हम लोग लिस्ट देंगे और जो लोग जो है सो इसमें FIR भी किया गया और जो लोग निर्दोष हैं गलत ढंग से FIR किया गया वो भी हम प्रशासन के सामने में रखेंगे और इसको हम लोग कहेंगे कि इसका जाँच कीजिए और इन लोगों को आप मुक्त कीजिए। युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर मिथिलांचल का गौरव अब दरभंगा में। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए युवराज एजेंसी की एक अनोखी पहल, बिहार का पहला अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा सर्विसिंग की सुविधा, एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप, मोर पावरफुल इनहेंसर, माइलेज इको फ्रेंडली राइडिंग, क्योंकि यह है आपके न्यू एज एनर्जी एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाइक रिप्स। 10 रुपया में चले 80 किलोमीटर एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 36,000 रुपए से भी ज्यादा बचत। अगर आप अपनी गाड़ी में हर महीने 1,000 से 3,000 का पेट्रोल भराते हैं तो अगर आप पेमेंट लाने एवं माल पहुंचाने में 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की सफर करते हैं तो अगर आप अपने बच्चों को स्कूल की बस के किराए का खर्च अधिक होने से बचाना चाहते हैं तो अगर आप खुद 30 से 40 किलोमीटर की मार्केटिंग या कोई वस्तु डिलीवरी करते हैं तो अगर आप घर की महिला एवं बुजुर्ग को हल्के गाड़ी देना चाहें या मार्केटिंग खुद करना चाहें तो एक बार चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चला, वही भरोसा वही विश्वास एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वादा, खर्च कम बचत ज्यादा। एम्पियर का साथ आपका विश्वास, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाला ई बाइक एम्पियर इलेक्ट्रिक, एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप्स, 10 रुपए में चले 80 किलोमीटर। युवराज एम्पियर इलेक्ट्रिक, सैदनगर एकमे रोड लहरियासराय दरभंगा। मोबाइल नंबर 9473118689। दूसरा नंबर 8294500405।
4-3। युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर।